और अजोस्टल प्लांट पर रूस के फास्फोरस बम के इस्तेमाल का दावा। मारियोपोल मेयर के सलाहकार पेट्रो ने जारी किया है वीडियो। हमले के बाद प्लांट के एक हिस्से में आग फैलती दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है फास्फोरस बम का इस्तेमाल, और इससे पहले भी रूस पर फास्फोरस बम या उस दूसरे तरह के प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं। मारियोपोल के अजोस्टल प्लांट पर रूस के फास्फोरस बम के इस्तेमाल का सबूत मिलने का दावा किया गया है। मारियोपोल के मेयर के सलाहकार पेट्रो ने इसको लेकर वीडियो जारी किया है। हमले के बाद प्लांट के एक हिस्से में आग फैलती दिखाई दे रही है। दो दिन पहले यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर मिखाइलो फेदोरोव ने भी रूस की फौज पर अजोस्टल में फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। फेदोरोव ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया था। आपको बता दें कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है, क्योंकि फास्फोरस बम बेहद खतरनाक होते हैं। फास्फोरस बम जहाँ गिरते हैं वहाँ हर चीज जल जाती है। ये अपनी चपेट में आने वाले इंसानों को बेहद दर्दनाक मौत देता है। यूक्रेन से युद्ध के दौरान पुतिन की फौज पर प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का आरोप पहले भी लग चुका है। पश्चिम के देश भले ही इसे रूस का युद्ध अपराध साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में इनका पहला इस्तेमाल ब्रिटेन ने किया था। और अब स्वीडन फिनलैंड को सबक सिखाने की तैयारी में रूस। दोनों देशों की सीमाओं पर रूसी मिसाइलों की तैनाती। द सन की रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। फिनलैंड की सीमा के पास व्योबर्ग जाती दिखी रूसी मिसाइलें। द सन ने यह दावा किया। क्या स्वीडन फिनलैंड नेटो में शामिल होकर कोई गलती कर रहे हैं? क्या दोनों देशों का नेटो में शामिल होना रूस के क्रोध को बढ़ा रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। दुनिया को डर है कि कहीं स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर रूस उन पर हमला न कर दे। दुनिया के इस डर को द सन की एक रिपोर्ट ने और बढ़ा दिया है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस ने दोनों देशों की सीमाओं पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। फिनलैंड की सीमा के पास व्योबर्ग में रूसी मिसाइलें जाती देखी गई हैं। दावा है कि रूस अब स्वीडन फिनलैंड को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि बार बार दोनों देशों को नेटो में न जाने की धमकी दे रहा है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा, नेटो में शामिल होने से इन दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत नहीं होगी। फिनलैंड स्वीडन के इस फैसले के बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। इससे तनाव बढ़ेगा। उन्हें इस बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।